आती है रोजी रोटी, शिक्षा ही किनारा है, शिक्षा चक्रधरपुर करते जयधर मिल। खत्म होती है, अब आप सभी का ओपिनियन और मेरा ओपिनियन करीब करीब एक ही होना चाहिए मेरे ख्याल से लगता है। आप किसको पसंद करेंगे, नंबर वन को, नंबर टू को, लड़का लोग में नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, किसको करेंगे? नंबर टू आ गया हमारा थिनर लड़कों में, नंबर टू जो तीर धनुष लिए हुए हैं पान टोला। अभिजीत के तरफ से एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे पान टोला की तरफ से। कौन नंबर वन नंबर टू? कौन नदीपाल से अलीशा कच्छप, आप दोनों के बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हम सभी मुख्य अतिथि के द्वारा, हमारे पुलिस अधीक्षक के द्वारा और बाकी जितना भी आया और खास कर से दर्शक लोग से, उनका ही आपका चॉइस था, वही लोग आप लोगों को जीता है। एक बार सही दोनों के लिए जोरदार बच्चों का जोश देख के हमारे सर आए सर आपके हाथों से और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब का चल रहा है जोरदार तालियों से। परिवार से आग्रह करता हूं कि वो सामने आके ये दोनों को पुरस्कृत करें, सम्मानित किया जा रहा है। आग्रह करूंगा तालियां जोरदार। अच्छा जो सब जुनून से भी जोड़ने का काम करती है, अपने अतीत को याद रखने का भी और सहेजने का भी एक अवसर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। Oh,
का जोरदार उनका फिर से जो है तालियों से। तो हमारा और इस संस्थान का यह मकसद है कि हम हमारे जो भावी युवा पीढ़ी है उनको अपने संस्कृति भाषा और पर्व त्योहारों से जोड़े रखें, और इसका जो है आज हम लोग इस बीच में पावन जो है अवसर पर इसको आयोजित कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं और इसको सफल बनाने में सभी को धन्यवाद। मांदर नगाड़ा ढोल ढाक बांसुरी ठेसका ढेर कुनकुड़िया के आंगन में वसूला, दोली कुल्हाड़ी से बनाते हल तीर धनुष बलुआ कुदार का बेंट, बुनते कभी मछली के जाल कभी बनाते गुलेल कभी ढेल बास, दिमाग के टोकरी में दौरी में इससे अधिक सजा लेते थे, बहुत कुछ हमारे आजा आजी नाना नानी परदादा आदि और आज आदिवासी वह इन सब का अनजान पाठ खोज रहे हैं, राह खोज रहे हैं, पहाड़ पर कोई लालटेन या ढिबरी चमक रही हो जैसे आधुनिक भवन के बीच पक्के घरों में वह अपने पुरखों का नूर दरवाजा खटखटा। ये श्री अजय नेता जी का अभिनंदन करते हुए और मैं अनुरोध करूंगी यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतिभागीगण आप सबों को जोहार और जय धर्म। हमारे पूर्वज चला रहे हैं, ये संस्कृति नहीं है, ये पूर्वजों की हम रक्षा कर रहे हैं, ये पूर्वजों को हम देख रहे हैं, ये पूर्वज हमारे क्या करते थे। अब देखेंगे कर्मा पूजा का जो विधि विधान है वो बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है। जानते हैं कब आता है? ये आता है जब पानी हो जाता है रूपा डोभा सब कुछ खत्म, उसके बाद हम लोग चाला आयो से धर्मेश से ये प्रार्थना करते हैं कि चाला आयो अब हम लोग ने रोपा डोभा सब कर दिया, अब एक ऐसा हम लोग को धान जो है अच्छा होना चाहिए, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। आपको बचाएगा, आपके समाज को बताएगा, आपके बच्चों को बचाएगा और आपके पुरखों को भी बचाएगा। इसलिए हमारा इस मंच से आपसे अनुरोध सादर अनुरोध सभी बच्चों को पढ़ाइए। अभी उसने कहा ना कि ठेप्पा लगा के आपने कर दिया और वो जो 500 को 5000 बना के आपसे पैसा लेता रहा, तो हम लोग को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, पूरे समाज में बच्चों को पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए। देखेंगे आप समाज पढ़ेगा लिखेगा समझदार बनेगा तो कभी भी वो ठग के पीछे नहीं आएगा, कभी वो चोर के पीछे नहीं आएगा, कभी भी वो जितने सुदकोर हैं उसके पीछे नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकृति और हमारे बीच में एक अन्योन्याश्रय संबंध है, बिना टूटने वाला संबंध है, और ये पूजा हमको एक संदेश देता है कि आज के दिन जो हमारे पुरखों ने जो हमारे बाप दादों ने हमको सिखाया कि प्रकृति को हमको बचा कर रखना है वो हमें भी करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम लोग के बीच में आज नहीं दिख पाता है जो पहले हुआ करता था, तो उसको कैसे हम लोग बनाएं, ये समाज को सोचने, समाज के जो भी अगुआ है यहाँ पे ये भी आपको सोचने की जरूरत है कि समाज में आपस सामंजस्य करने बने लोग आपस में। समाज पहले अगर देखेंगे तो आदिवासी समाज, आदिवासी का सगुन है, उसका वर्चु है, इसे मान हमारा जो सीधापन ईमानदारी विनम्रता लोगों के साथ परोपकार रहना सबको मिलजुल के काम करना ये सब आपकी वर्चु आपके अच्छे गुण हैं। कर लेंगे आईएएस बन जाएंगे आईपीएस बन जाएंगे कोई शॉर्टकट नहीं, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो है ना अपनी पहचान बनाने चाहते हैं तो केवल नैतिक मूल्यों से पहचान बनती है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे नैतिक मूल्यों पर विशेष ध्यान रखें, नैतिक मूल्य होगा आप बड़े आदमी बनेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं किससे, विद्वता से जानकारी से नॉलेज से, बहुत लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं सुंदरता से, बहुत लोग अपनी पहचान बनाना चाहते हैं पैसा से, लेकिन पहचान नहीं बनती
जब तक आपके पास नैतिक मूल्य नहीं है। और ये नैतिक मूल्य हम लोग को हमारा बाबा दादा परदादा ने सिखाया है, हमको बच्चों को बताना है। ये बच्चे जानेंगे, सबसे पहले बच्चा एक अच्छा इंसान, एक सबसे अच्छा इंसान। जीन से आदमी बड़ा नहीं होता, किसी का डोमिनेंट जीन हो जाता है, किसी का नहीं होता, केवल जीन से नहीं होता है। मेरा कहना था कि मानव जीन के अलावा माहौल से चेंज होता है, इन्वायरमेंट से चेंज होता है। वो बच्चे जिनको आप अच्छे माहौल देंगे, जो अच्छे माहौल देंगे, मतलब अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा संरक्षण, अच्छा माहौल, सकारात्मक सोच आप डालेंगे, बच्चा जरूर आगे चाहिए। मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बताया कि चूंकि उनके कहा उनको उन बाद में कहा कि आपको हमेशा ड्रीम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ड्रीम 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 होते हैं कि ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट, थॉट्स रिजल्ट्स इनटू एक्शन। उनका कहना था कि हमेशा बच्चों को सपना देखना चाहिए और हमेशा गार्जियन को बच्चों को सपना दिखाना चाहिए। सपने देखेंगे तभी वो सोचेंगे। जिस दिन वो सपना देखेगा कि हम आईएएस बनेंगे, जिस दिन सपना देखेगा कि हम आईपीएस बनेंगे, उसी दिन से उसका सोच आएगा कि आईपीएस बनने में करना क्या है। उसको पहली बार आएगा कि अरे अच्छा स्कूल में पढ़ना है, 10 अच्छा करना है, 10 प्लस 2 अच्छा करना है, उसके बाद कहीं कोचिंग हमको करना है, दिमाग में आएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, यही रिक्वेस्ट होगी कि आने वाला दिन में भी ऐसे ऐसे आप प्रोग्राम जरूर करिए और बच्चों को ऐसा मंच दीजिए ताकि वो बच्चे अपने, जैसे मैंने कहा कि हुनर का ये कर पाएगा। हमारी ओर से सभी जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको भी हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से बच्चों को हौसला अफजाई हुआ होगा और वो आगे कुछ ज़्यादा अच्छा करने को सोचेंगे। आप सबों को पुनः विशेषकर जो आयोजन बन गई है उसको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। काउंसलिंग के लिए भी बुलाएंगे हमारे बीच में, स्वागत करेंगे मेहमानों का।